हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम है और ये रिसॉर्ट के बाहर ही मैं किसी काम से बाहर आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये सब। तो ये है ओजस्वी रिसॉर्ट इन मुक्तेश्वर। तो यहाँ पर हम रुके हुए हैं, तो आपको इसका टूर कराती हूँ मैं। और ये इसका एंट्रेंस है, सामने रिसेप्शन एरिया है इसका, और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अट्रैक्टिव थी जगह, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। तो ओजस्वी हिमालयन रिसोर्ट नाम है इस जगह का, और ये इसका बाहर का एरिया था, तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन था। बस इतना था कि जगह थोड़ी छोटी थी, मतलब हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था कि हमें लग रहा था कि काफ़ी बड़ा एरिया होगा, पर ऐसा प्रॉपर्टी इतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी ठीक थी। और इसके बाद इसका ये है रिसेप्शन एरिया है यहाँ पर, और रिसेप्शन एरिया के बाद आता है सामने डाइनिंग एरिया है, और उसके बाद ऊपर हम लोगों के रूम्स वगैरह हैं। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पर ही लिया हुआ है, और हमारे रूम्स का जो व्यू था वो टेरेस व्यू था, तो काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि एक तो काफ़ी सारे बच्चे फैमिलीज़ के साथ थे हम लोग, तो बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी अच्छी जगह मिल गई थी। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा शूट करती हूँ। और ये देखिए, ये पूरा टेरेस जो था ये रूम्स के सामने था, मतलब हम लोगों ने 5 रूम लिए थे, और इसके सामने जो टेरेस था वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन था, और लियो ने भी पूरी मस्ती ली है यहाँ पर, तो लियो भी इंजॉय कर रहा है क्योंकि धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही है टेरेस पर। और देखिए जो पीछे रूम्स दिख रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये रहा कि ये पेट फ्रेंडली था, तो लियो को ले जाने में प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसा कि मैंने ब्लॉग में बताया था आप लोगों के, मम्मी पापा हमारे पास अभी नहीं थे, बाहर गए हुए थे, तो उसका बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि कहाँ छोड़ें। और जो डॉग हॉस्टल वगैरह रहते हैं वहाँ भी नहीं छोड़ सकते लियो को अभी, क्योंकि लियो अभी बहुत छोटा सा है, तो ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता उसको कि वो लोग कितना केयर देंगे उसको। और टेरेस के बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ का डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए ही नीचे आए हैं, बाकी लंच और डिनर हम लोगों ने अपने रूम में ही टेरेस पर ही मंगा लिया था, और ब्रेकफास्ट नीचे करने आए हुए हैं। तो ये ब्रेकफास्ट के टाइम का क्लिप है। और यहाँ का जो डाइनिंग एरिया था वो काफ़ी अच्छा था, बड़ा था, नीट एंड क्लीन था, तो सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया हुआ है। और जहाँ तक खाने की बात की जाए तो जो खाने का टेस्ट था वो भी काफ़ी अच्छा है, दोनों दिन काफ़ी अच्छा रहा ब्रेकफास्ट का हम लोगों का। और दूसरा, टेस्ट के साथ साथ वैरायटी भी काफ़ी सारी थी, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो खाने पीने का हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पर। और उसके बाद मैं चलती हूँ आप लोगों को लेकर यहाँ के प्ले जोन में, तो बच्चों के लिए गेम भी हैं, खासकर छोटे बच्चों के लिए भी गेम हैं, तो बच्चों ने भी एंजॉय किया यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे भी थे, और बच्चों को जब तक ये प्ले जोन वगैरह नहीं हो तो वो लोग इंजॉय नहीं करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बाहर आके बच्चों और को। प्ले जोन के बाद मैं आ गई हूँ सीधा ऊपर, क्योंकि कल शाम को जब आए थे तो काफ़ी थक गए थे, तो मैं नहीं गई थी ऊपर तक देखने के लिए, बाकी सब लोग होकर आए थे, पर मैंने सोचा चलो मैं बाद में होकर आती हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ ऊपर, क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट फ्लोर ही है, तो उसके बाद ऊपर भी ये फ्लोर बने हुए हैं, तो मैंने सोचा इनको देख कर आते हैं। और ये काफ़ी अच्छा था, ग्रीनरी काफ़ी थी और काफ़ी मेंटेन था, तो बहुत अच्छा सा लग रहा था देखकर। और तो ये आसपास पेड़ पौधे हैं और साइड में रूम्स वगैरह भी हैं, तो यहाँ भी लोग रुके हुए हैं। और ये एरिया मुझे सबसे अच्छा लगा इस रिसोर्ट का, जो ऊपर जाने वाला था, तो मैं अपना ऊपर अकेले ही आई हूँ यहाँ पर। और ये मैं पहुँच गई हूँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, जहाँ पर इन लोगों का मंदिर वगैरह भी बना हुआ है, और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे व्यूज़ थे, जो साइट सीन वगैरह थे वो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है। तो यहाँ आकर मैंने काफ़ी सारी फ़ोटो ली है, और जो हिल्स वगैरह थे वो देखें कितने अच्छे, माउंटेन हिल्स
काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ अकेले ही इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन था यहाँ से कुछ फ़ोटो वगैरह शूट करने के लिए, तो मैं आ गई हूँ। और बाकी ये भी और बच्चे भी दोनों ही नीचे हैं। तो देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है इस रिसोर्ट का, साइड का। और ये मंदिर है यहाँ पर, मंदिर अभी बंद हो गया है, पता नहीं शायद ये लोग बंद करके रखते होंगे इस टाइम भी, तो बंद हुआ है मंदिर। तो बस मैंने यहाँ पर काफ़ी देर तक अपना टाइम स्पेंड किया है, और अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि सब लोग कर रहे हैं मेरा वेट। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, यहाँ का टूर कराया मैंने आपको जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।